बी लाइक एन ओलंपिक भारतीय ओलंपिक टीम को प्रोत्साहित करने की भाजयुमों की अनूठी पहल सामने आई है। जी आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चीयर फॉर इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बी लाइक एन ओलंपिक कैंपेन की शुरुआत की है। इसके तहत देशवासियों को वेबसाइट पर रजिस्टर करके अपने पसंद की एक स्वास्थ्यप्रद गतिविधि का चुनाव करना होगा। इन गतिविधियों में योग, साइकिलिंग, दौड़ने जैसी शारीरिक गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य भोजन की आदत को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने बताया है कि इस कैंपेन से हमारा प्रयास है कि हम न केवल भारतीय ओलंपिक टीम को प्रोत्साहित करें बल्कि सभी देशवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लाएं। नमस्कार सभी का। सबसे पहले तो आज के इस भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मुंबई के उपाध्यक्ष आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी, हमारे बीच उपस्थित इस जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी और मुंबई युवा मोर्चा की पूरी टीम। सबसे पहले तो मैं मीराबाई छानू, उन्होंने जो आज भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता, इसके लिए मैं आप सभी को, मुंबई के सभी युवाओं के तरफ से पूरे देश को अभिनंदन देता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण यह है कि आप सभी को पता है कि इतिहास में यह पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में भारत के खिलाड़ी, उनका एक बड़ा दल वो ओलंपिक में आज हिस्सा ले रहा है। और भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीयर फॉर इंडिया ऐसा अभियान पूरे देश में चल रहा है। ये चीयर फॉर इंडिया के अभियान को और ताकत देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की है। उस कैंपेन का नाम है चीयर फॉर इंडिया बी लाइक एन ओलंपियन, मतलब एक ओलंपियन के तरह आप भी रहिए, उसी ओलंपियन के जीवन के तरह अपना जीवन जिए। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, BJYM के वेबसाइट से कनेक्टेड है, cheerforindia.org। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आपके माध्यम से मैं मुंबई के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल के युवा यूथ विंग ने एक स्वभाव में बदलाव, मतलब बिहेवियरल चेंज के लिए एक मास पूरे देश में बड़े स्तर पर एक बिहेवियरल चेंज के लिए कुछ ना कुछ अभियान चलाया है। इस अभियान के माध्यम से आप वेबसाइट पे आपको रोज रिपोर्टिंग करनी है, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप रीडिंग करें, ऐसे कई अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज युवाओं के लिए, खासकर इसमें कोई भी वर्ग के, कोई भी एज के लोग भाग ले सकते हैं, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खास करके युवाओं के लिए बात करूंगा कि एक बिहेवियरल चेंज, जैसे कभी किसी को सुबह उठने की आदत नहीं है तो वो ये 16 दिन ओलंपिक के अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले और जो हमारे युवा खिलाड़ी है, जो हमारे भारत के खिलाड़ी है, सभी को साथ देने के लिए वो स्वयं 16 दिन अपना झोंक दे और कोई ना कोई एक एक्टिविटीज या दो एक्टिविटीज या चार एक्टिविटीज जैसे उनको सही लगे उसी एक्टिविटीज में भाग लेते हुए 16 दिन की रिपोर्टिंग करे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बिहेवियरल चेंज, स्वभाव में बदलाव उनके आएगा। और ऐसे बड़ी मुहिम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने हमें दी है और आज यहां से मुंबई में हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और आज जो हमारा विक्ट्री पंच, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम एक विक्ट्री पंच सपोर्ट करते हुए खिलाड़ियों को देंगे, उस विक्ट्री पंच के माध्यम से हम लोग स्वयं एक एक व्यक्ति पांच पांच लोगों को टैग करेंगे और पांच लोगों को हम चैलेंज करेंगे कि आप भी वीडियो बनाइए, सपोर्ट करते हुए खिलाड़ियों को विक्ट्री पंच दीजिए। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में पहले दिन पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके पूरे देश के अंदर और बहुत सारे युवा, अगर आप हैशटैग देखोगे तो वो हैशटैग के माध्यम से
बी लाइक एन ओलंपियन, ये हैशटैग अगर आप देखोगे कहीं भी सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे व्यक्तियों ने कहीं योगा करते हुए, किसी ने वॉकिंग करते हुए, किसी ने साइकिलिंग करते हुए, किसी ने रनिंग करते हुए अपने पिक्चर्स अपलोड की है, और रोज इसकी रिपोर्टिंग हमारे वेबसाइट में होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है भले वो 10 दिन करे या 15 दिन करे या 16 दिन करे, कहीं ना कहीं उनके जीवनी में एक परिवर्तन आएगा और उनको बिहेवियरल चेंज आएगा। तो आप लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा अगर कोई यूथ इस तरीके की चीजें करना चाहता है, तो आप लोगों को कितना सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से? हम तो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हमने परसों से ही जितने युवा वर्ग हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड है, हम उनको एक मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सही वक्त है, अगर आपको वजन कम करना है तो 16 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, और हमारे ओलंपियंस को सपोर्ट करते हुए आप सब उतर कर खुद 16 दिन या तो साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, ऐसे एक्टिविटी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए आप लोग करिए। हमारे बीच में पवन त्रिपाठी जी हमारे मुंबई उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी आप सवाल पूछ। पवन सर, क्या कहना चाहेंगे, आज काफी यूथ आपके साथ में जुड़ा हुआ है और अब यूथ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ऐसी चीजों को आपको करने के लिए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए हमेशा आगे बढ़ करके कार्य करते हैं, युवाओं को हमेशा सपोर्ट देते हैं, और ओलंपियन के द्वारा यह जो एक कैंपेन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रारंभ किया है, जैसा कि अभी मुंबई अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने आप सभी लोगों को बताया, वी आर ओलंपियन, इस मुहिम के द्वारा हम सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हों, और जैसे हम सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट तो ले नहीं सकते हैं, वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, तो हम सभी लोग इस कैंपेन के द्वारा उनका मनोबल भी बढ़ाएं और स्वयं के जीवन में बदलाव भी लाएं। इसी के तहत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस भी प्रारंभ किया था कि हम लोग सुबह से अपनी शुरुआत करें, और जिससे कि हमारे और युवाओं के स्वास्थ्य में जो आज के समय में जो समस्याएँ आ रही हैं, उस समस्याएँ से लोगों को निजात मिले। तो इस तरीके की चीज़ों को आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है, केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्य में बहुत ही आगे बढ़ करके कार्य कर रहा है। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं सारी चीजों को मोटिवेट, आप किसी चीज की तरीके की चीजें कर रहे हैं, रनिंग करते हैं या योगा करते हैं, ऐसी चीजें आप लोगों में भी है? हाँ बिल्कुल करते हैं, सुबह प्राणायाम भी करते हैं, योगा करते हैं, वॉक भी करते हैं। भारतीय युवा मोर्चा मुंबई की टीम।